बारिश के मौसम में हर वक्त बीमारी का खतरा बना रहता है, भले ही घर की सफाई की जाती हो या कई सारे बदलाव। कई बार इसकी वजह किचन से जुड़ी आपकी कुछ आदतें भी हो सकती हैं, और यही किचन की लापरवाही फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी को न्योता देती है। इसलिए आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिससे आप खुद को बीमारी से कोसों दूर रख सकते हैं। जब भी किचन में काम करने जाएं, अपने हाथों को साफ करना ना भूलें, क्योंकि जितने साफ हाथों से आप खाना पकाएंगे उतना ही बीमारियों से दूर रहेंगे। घर पर अगर पालतू जानवर है तो उसको छूने के बाद भी हाथों को अच्छे से जरूर धोएं। वर्किंग होने के चलते कई बार लोग सुबह और शाम का खाना एक ही बार में बना लेते हैं, जबकि ऐसा करना सही नहीं है। अगर खाना बच जाता है तो उसे फ्रिज में रखें और थोड़े समय के बाद उसे निपटा दें। कई बार लोग जल्दबाजी में टमाटर, प्याज या दूसरी सब्जियों को बिना धोए ही इस्तेमाल कर लेते हैं। यह आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी कितनी ही क्यों ना हो, इन बातों का जरूर ध्यान रखें ताकि इन सब्जियों पर मौजूद बैक्टीरिया साफ हो जाएं। आपने सुना होगा कि सेमी कुक फूड सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये बात हर खाने पर लागू नहीं होती, इसलिए जरूरी है कि आप खाने को पूरी तरह से पकने दें। अगर खाना पूरी तरह से नहीं पका तो उसमें विषैले तत्व रह जाएंगे जो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। रिपोर्ट ज्योति सिंह, newshare.com।